नमस्कार देवी और सज्जन, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैट यूजर में। आज का हमारा टॉपिक है प्लॉटिंग, प्रिंटिंग एंड ड्राइंग टू पीडीएफ। तो तीन हमारे टॉपिक है, क्या क्या? प्लॉटिंग, प्रिंटिंग एंड ड्राइंग टू पीडीएफ। सो मैंने एक ड्राइंग बना रखी है, ड्राफ्टिंग, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने एक फ़ोन स्केच किया है जिसका मैंने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, बैक साइड व्यू या मैंने मेंशन किया है। ये सारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे बना हुआ है। अब हम इसकी करेंगे प्लॉटिंग। प्लॉटिंग कैसे करते हैं? अब प्लॉटिंग होता क्या है? प्लॉटिंग जैसे कि मान लीजिए आपका 200 गज का प्लॉट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल। मान लीजिए आपका 200 गज का प्लॉट है, आप उसके अंदर बाथरूम, किचन, बेडरूम, हॉल, पार्टीशन डिवाइड करते हैं। वैसे ही हमारा यहाँ पे है फ्रंट व्यू मैंने रखा हुआ है, टॉप व्यू रखा है, बॉटम व्यू, साइड व्यू, बैक साइड व्यू, ये सब हमें A4 शीट साइज़ में फिट करना है। ठीक है, A4 शीट साइज़ का दो तरीके से करते हैं हम, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में होता है 210 × 297, ओके, एंड लैंडस्केप में हम करेंगे 297 × 210। मैं एक बारी करके दिखा देता हूँ आपको। इसको A4 शीट साइज़ में फिट करते हैं। तो उसको फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल की कमांड है REC, एंटर। लेंथ डालेंगे 297, टैब। विड्थ डालेंगे 210, ओके। ये हमारे लैंडस्केप मोड में है। M, एंटर, मूव कमांड। ये अभी इसके लिए बहुत छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, SC, एंटर, 2, एंटर। ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे छोटा करें दोबारा, SC, एंटर, स्केल कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर, ड्रैग इट एंड हम लिखेंगे 0.6, एंटर, ओके। मूव कमांड, ये हमारा यहाँ फिट हो गया। हम डालेंगे इसमें O, एंटर, ऑफसेट कमांड। आप डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते वो आपके ऊपर है। मैं लिख देता हूँ 1, एंटर। देन ये बन गया हमारा A4 शीट साइज के अंदर ही फिट हो गया है, ओके। अब हम इसे करेंगे प्लॉट। प्लॉट के लिए क्या है, यहाँ पे आप जाएंगे, प्लॉट कमांड या प्रिंट कमांड आप में शो कर रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ आपका आएगा प्रिंटर प्लॉटर नेम। हम पहले इसे ड्राइंग टू PDF, वो भी आपका मैं इसी में ही सॉल्व करा देता हूँ। ड्राइंग टू PDF पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपको साइज़ दे रखा है 210 × 297, ठीक है। ये A4 शीट साइज़ है, यहाँ पे भी आपको दे रखा है। यहाँ से आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, A3 पे भी करना चाहे A3 पे भी कर सकते हैं, ओके। देन प्लॉट एरिया पे आएंगे, ये डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या है, अगर आप डिस्प्ले सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको पूरा डिस्प्ले बता देगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसे मैंने डिस्प्ले सिलेक्ट किया, यहाँ नीचे प्रीव्यू आता है, तो ये मेरे को जो डिस्प्ले में होगा वो मेरे को दिखाएगा पूरे उसमें, ठीक है। हम एस्केप करते हैं यहाँ से। देन हमें लेना है विंडो, यहाँ विंडो लेंगे, एक सेकेंड, विंडो। देन ये हमें सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा, जितना हम सिलेक्ट करना चाहते हैं।
हमें तो इतना ही चाहिए भाई, देन हम प्रीव्यू करेंगे। आ गया, देन यहाँ आप जाएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पे आपको प्रिंट या प्लॉट का ऑप्शन देगा, क्लिक करिए। देन पूछेगा कि आप कहाँ करना चाहते हैं, तो भाई फ़ोन मैं इसको फ़ोन मॉडल 1 कर सकता हूँ, मैंने पहले भी 1 कर रखा है। ओके, सो ये प्रीव्यू भी देगा आपको। देन देखिए ये पूरा पीडीएफ आ गया है, मेरे पास कोई पीडीएफ सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में पीडीएफ ओपन करता हूँ। ओके, बंद करते हैं, वापस ऑटोकैड में आते हैं। सो ये आपका यहाँ प्लॉटिंग भी कंप्लीट होता है और पीडीएफ भी। अगर आप हाँ प्रिंटिंग करना चाहते हैं, प्रिंटिंग के लिए भी सेम है, आप क्लिक करिए प्लॉटिंग पे, देन यहाँ पे आप जाइए। हाँ अपना प्रिंटर कोई भी आपका, मेरे साथ कोई प्रिंटर है नहीं सिलेक्ट, तो आपका कोई भी प्रिंटर हो, यहाँ आपका प्रिंटर का नाम आ जाएगा। मान लीजिए ये आ रहा है HP LaserJet M11, जो भी है किसी का भी, आप इसको सिलेक्ट करिए। देन शीट साइज ले रखा है A4, देन अगेन यहाँ से विंडो क्लिक करिए। ओके, अगर लगता है कि ये थोड़ा हिल रहा है तो आप फिट सेंटर द प्लॉट, तो आपका ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। ओके, ये अब दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसका प्रिंट भी निकालेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको A4 शीट साइज़ में ही प्रिंट मिलेगा। A3 में भी आप सेम कर सकते हैं, A3 का साइज़ लेके प्लॉटिंग कर सकते हैं। ओके, हम एस्केप करते हैं, मेरा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है अभी, और मैंने ये ऐसे ही बना रखा है, आप ऐसे भी बना कर रख सकते हैं, ये टाइटर ब्लॉक वगैरह मैं इसको इसके अंदर फिट करके दिखा देता हूँ आपको, ये सेम साइज़ में है। सो आप इसको कुछ इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको एक कमांड दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ नेम वाले में प्रीवियस प्लॉट में जाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे, आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन विंडोज सेलेक्ट प्रीव्यू, दिस इज इट।